खबर लखनऊ से है जहां यूट्यूबर एलविस यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, कहा कि उनके मामलों को तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि किसानों के प्रदर्शन से प्रदर्शन को न्यूज ना बना दबा सकें। बता दें कि रे पार्टी के सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे यूट्यूबर एलविस यादव ने पीपल फॉर एनिमेशन यानी पीएफए संस्था के सदस्यों पर अग्रहीन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को मीडिया में इसलिए तूल दिया जा रहा है ताकि किसानों के प्रदर्शन के न्यूज को दबाया जा सके। एलविस यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए 13 मिनट 34 सेकंड के एक वीडियो में रे पार्टी से लेकर सांपों के जहर की एक रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह की बातें कही। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वेलकम नेगेटिविटी अगेन अगेन मीडिया ट्रायल अगेन। फार्मर प्रोटेस्ट की कवर करने को एलविस यादव का नाम आगे डाल देते ताकि फार्मर्स की न्यूज ना चलाए। वेलकम भाई, पॉलिटिक्स बड़ी कैडी चीज है भाई, माँ की कसम। कई भाई ये कह रहे थे कि इस पे कमेंट मत करना, ना तो क्या पता कल को कोई और इल्ज़ाम भी लग जाए, बट आई थिंक बोलना चाहिए हमें इस बारे में कि दोबारा से क्या न्यूज़ उठ के आ गई। एक बार न्यूज़ चलाना भाई जी, एक बार फ़ोन में कोई आज तक कुछ भी चला दो, आऊँगा मैं। सांप का जहर मिला, सांप के जहर की पुष्टि हो गई। अरे सांप के जहर को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करोगे तो सांप का जहर ही निकलेगा ना, मेरा क्या लेना देना उससे। तो 13 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो जारी किया था यूट्यूबर एलविस यादव ने, जिस पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरे मामले को इसलिए तूल दी जा रही है क्योंकि किसानों का मुद्दा दबाया जा सके। तो ये एलविस यादव ने आरोप लगाते हुए 13 मिनट का ये वीडियो वायरल करवाया। तो लखनऊ से इस समय हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, यूट्यूबर एलविस यादव ने अपनी सफाई दी है, क्या ताजा अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि एलविस यादव ने 13 मिनट से अधिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उस वायरल वीडियो में एलविस यादव पूरी तरह से सफाई दे रहे हैं और जिस तरह से वे पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई करने के आरोपों से घिरे एलविस यादव का कहना है कि वह पूरी तरह से बेगुनाह है और उनका यह भी कहना है कि पीएफए जो है उसके सदस्य उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि उनसे धन उगाही की मांग की गई। वह दूसरी तरफ एक तंज भी कसा है कि सांपों के जहर की जांच कराई गई और जहर ही निकलेगा, इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। और वीडियो में यह भी एलविस यादव कह रहे हैं कि जिस दिन रेव पार्टी नोएडा में हुई थी वह उस दिन मुंबई में थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एलविस यादव जो है सांपों के जहर सप्लाई करने के आरोपों से जब से घिरे हैं वह काफी चर्चा में आ चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं और माना जा रहा कि आने वाले दिनों में एलविस यादव पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि जो सबूत पीएफए के पास पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे, उसमें एलविस यादव की गर्दन पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है और जब वो अपने आप को फंसा देख रहे हैं तो किसान आंदोलन को एक तरह से ढाल भी बनाना चाह रहे हैं और किसान आंदोलन के बारे में कहते हैं कि उसकी न्यूज ना चले इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है पीएफए के सदस्यों द्वारा और उनको बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल एलविस यादव की यह सफाई कितना कारगर होती है यह समय बताएगा, लेकिन अभी जो सबूत पेश किए जा रहे हैं पीएफए की तरफ से वह उनके विपरीत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।